इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी में डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया, तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, गाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उप नदी है, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता, अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही है, उस पे संदेह करना अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप धन्य है महात्मा।